हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन मेरी शक्ल नहीं देख रही, और ये क्या चल रहा है सामने। असल में दोस्तों, ये मैं वीडियो एक्शन कैमरे से शूट कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि घर पे या रूम में बैठ के मैं आपको वीडियो बना के समझाने से बेटर है कि एक्चुअल चीज़ें कैसे होती हैं, मतलब ऑटोमोबाइल में कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या कर सकते हैं, ये सब दिखाना ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने सोचा कोई एक्शन कैमरा ले लूँ, एक अच्छा वाला जो सस्ता भी हो। तो मैंने काफ़ी दिनों से तलाश किया कि कौन सा एक्शन कैमरा लेना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर आखिर में मुझे एक बंदा मिला जिसके पास GoPro 4 था। यह एक्चुअली पुराना कैमरा है लेकिन इसकी जो आउटपुट है बहुत अच्छी है, तो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। और रही बात यह कि मैं क्या काम करता हूँ और कहाँ काम करता हूँ, ये अपनी जो भी मतलब जानकारी है मैं अपनी अपने बारे में आप लोगों को बता सकूँ, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बंदा मेरा दोस्त है जो है ना, एकदम उसको मैं ऑटोमोबाइल जीनियस बोलता हूँ। ऑटोमोबाइल जीनियस इसलिए क्योंकि अगर कम नॉलेज के साथ में, ऑटोमोबाइल की बहुत कम नॉलेज गेन करने के बावजूद भी पैसा कैसे कमाते हैं ना, उस बंदे को अच्छी तरह पता है। वो बंदा बहुत ही एक्सलेंट बंदा है, कैसे लोगों को फ़ायदा करते हुए अपना भी फ़ायदा किया जाए, वो बंदा उससे सीखना चाहिए। तो बहुत जल्द मैं एक ऐसे बंदे से आपको मिलाने वाला हूँ जो जिससे मिलके आपको और मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उससे बातें करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो एक्चुअली वो बंदा जो है, वो बंदा हमारी कंपनी के साथ में भी है, मतलब हमारी कंपनी के साथ में उसका टाइप है, और हमारी कंपनी की तरह और बहुत सी कंपनियों में वो उसका बिजनेस चलता है। और उससे अपने को जानने को मिलेगा कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के आप किसी की नौकरी किए बगैर, किसी का दो बात सुने बगैर, या जैसे अभी मैं जा रहा हूँ नौकरी पे, टाइम बहुत ज़रूरी होता है, टाइम पे पहुँचना, नहीं पहुँचे तो लेट मार्क लग जाता है, लेट मार्क लगेगे और दो से तीन ज़्यादा लेट मार्क हो गए तो हमारी सैलरी गई उस दिन की, या एक दिन की सैलरी या आधा दिन की सैलरी चली जाती है। तो बिज़नेस में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, बिज़नेस में आप की जब मर्जी हो तब आप घर से निकल सकते हैं, लेकिन बिजनेस में भी एक क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चलता, लेकिन इतना स्ट्रिक्टनेस बिजनेस में नहीं होता जितना आपको इसमें देखना पड़ता है, क्या जॉब्स में। क्या कर रहा भाई, ऐसे लोग होते हैं खुद भी मरते हैं जो दूसरे भी मरते हैं, बाइक पे विली कर रहे हैं। तो बिजनेस देखो, 17-18 साल का भी नहीं है वो, ऐसे बाइक चला रहा है जैसे ही पता नहीं क्या कर रहा है। तो बिजनेस में ये फायदे होते हैं। रॉन्ग साइड मार के जा रहे हैं। बिजनेस के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों, जिस अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं तो बिजनेस में जो सैलरी में हम कमाते हैं उसके 10 गुना या 100 गुना भी आप कमा सकते हैं बिजनेस में, एक बार आपका अगर बिजनेस चल गया तो ऐसा उनका भी बिजनेस है ना, ही उनको किसी को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ना ही क्या कहते हैं उनको किसी को जवाब देना पड़ता है, और ना ही उनको ज़्यादा नॉलेज है, मतलब ऑटोमोबाइल का नॉलेज भी इतना नहीं है जितना हम लोग चाहते हैं कि इंसान को होना चाहिए, उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन वो फिर भी मुझसे या हम जैसे मैकेनिक लोगों से बहुत ज़्यादा
कमाते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेले हैं, उनके साथ और भी उनके साथ यानी उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करके अपना बिजनेस चलाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को उनसे मिलना, वो वीडियो देखना। बहुत जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिलेगा ना वो किसी भी क्लासरूम में या कोई भी कॉलेज में नहीं मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो इंसान करता है ना वो ऐसे बोल के नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत जल्द मैं वो वीडियो उनके साथ बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, आप ज़रूर देखना वो वीडियो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं। जो लोग मेरे चैनल को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं या सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, वीडियो देखते रहते हैं, उनको पता है कि मैं ऑटोमोबाइल के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये अचानक से एक्शन कैम्प पे कैसे आ गया तो मैंने रीज़न आपको बता दिया। एक्शन कैम्प पे आने का रीज़न भी यही है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल को अगर डिटेल में जानना है, मतलब गाड़ियाँ कैसे काम करती हैं, फॉल्ट क्या आता है सब, तो ये सब एक्शन कैम्प से ज़रूरी है कि वीडियो शूट करूँ मैं, क्योंकि हर जगह DSLR लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सा DSLR लेके घूमना तो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्शन कैमरा मुंबई महाराष्ट्र में अलाउड नहीं है और मैंने ये चेन माउंट ले ली है, इसलिए मैं पुलिस से थोड़ा बच बचा के निकल रहा हूँ, कहीं पकड़ ना ले और फिर मुझे फाइन भरना पड़े। बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे थोड़ा मुझे बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने बाइक का माउंट लेना भूल गया, अभी ले लूँगा बाइक माउंट भी। अरे बाप रे पुलिस, इनको जाने देते हैं, नहीं तो फालतू के दो फटके लगा देंगे मेरे को। दोस्तों तो वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, आप देखना, ठीक है। और रही बात मेरी, तो मैं अपनी कंपनी का नाम तो बता नहीं सकता, वो अलाउड नहीं है, एक्चुअली अलाउड क्या नहीं है, बस बताऊँगा तो सही नहीं रहेगा, बता नहीं सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मैं एक कंपनी है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, जिसमें मैं एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है बताऊँ तो, जैसे मारुति में DTL बोल के एक पोस्ट होती है मारुति में, और दूसरी कंपनियों में और अलग अलग नामों से वो पोस्ट होती है। तो DTL यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी यही होता है कि वर्कशॉप पूरा हैंडल करना, वर्कशॉप मैनेज करना, और वर्कशॉप में जो गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आती है उनको देखना, उनको सॉल्व करना, टेक्नीशियंस की हेल्प करना, और जो हमारी ऑपरेशंस टीम है उनको भी हेल्प करना किसी भी मामले में, जैसे टेक्निकल मामले में, बाकी वो खुद अपना काम कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती है उन मामलों में मुझ जैसे लोगों को हेल्प करना होता है एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल में बहुत सारे फील्ड्स हैं, मतलब पोस्टेस हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है, मतलब इस कंपनी में ज्वाइन होने से पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जैसी भी कोई चीज़ होती है, जब यहाँ ज्वाइन हुआ तो फिर मुझे पता चला। तो थोड़ा अभी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, थोड़ा रुक के फिर अपने वर्कशॉप पे पहुँचने से पहले मैं स्टार्ट करूँगा, आप देखिए मेरा वर्कशॉप बाहर से कैसे दिखता है, क्योंकि अंदर से दिखाना मुझे अलाउड नहीं है। ओके दोस्तों,
दोस्तों अभी हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं वीडियो पूरे रास्ते में बनाता तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, क्योंकि 45 मिनट एटलीस्ट अगर मैं नॉर्मल स्पीड से चलूँगा ना तो 45 मिनट लगते हैं मेरे घर से मेरे ऑफिस को पहुंचने के लिए, नहीं तो कम से कम 30 मिनट तो लगते ही लगते हैं। तो इतना लंबा वीडियो बनाने से बेटर है मैं बीच बीच में कट करके बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इस GoPro Hero 4 की पिक्चर क्वालिटी दिखा सकूँ। ये मैं 1080p में शूट कर रहा हूँ, सुपर व्यू मोड नहीं है इसमें। सुपर व्यू मोड भी आता है, 4K भी आता है, 2K भी आता है, तो बहुत सारे मोड हैं इसमें। मैं सिंपल 1080p में शूट कर रहा हूँ। इसमें पिक्चर क्वालिटी कैसी आती है वो आपको दिखाना था, और दूसरा ये कि ये इन्फॉर्मेशन भी देना था कि ये भाई एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाऊँ जो दिमाग वाला है, पैसे कैसे कमाते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल जीनियस उसको बोल सकते हैं। है अफजल, वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ में ही काम करता है। अरे रे 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 रे। तो वीडियो का मकसद ये था और दिखाना भी था कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ। देखिए ऑटोमोबाइल में काम आने के बाद में आपको कैसे कैसे जगहों पे जाके काम करना पड़ सकता है, और बहुत मतलब इंडस्ट्रियल एरिया भी होता है और क्या कहते हैं उसको रेजिडेंशियल एरिया भी हो सकता है, जहाँ पर भी आपका वर्कशॉप होगा वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। तो मेरा वर्कशॉप कैसा है या कहाँ पर है वो आपको अभी दिख जाएगा। भले ही मेरा वर्कशॉप थोड़ा अंदर है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, लेकिन मेरी कंपनी जो है ना वो अमेजिंग है, बहुत अच्छी कंपनी है, लोगों को सपोर्ट करती है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो लोग सारे मिलके हेल्प करते हैं उस बंदे के लिए, मतलब कोई भी मामले में, चाहे वो पैसे के मामले में हो या किसी और चीज़ के मामले हो, अच्छी कंपनी है। तो कंपनियाँ जहाँ पर भी आप ज्वाइन करोगे कंपनियाँ ऐसी होनी चाहिए यार, नहीं तो फिर क्या है, फिर फ़ायदा नहीं है ना। काम तो आप कहीं पर भी कर लेते हो लेकिन जो सपोर्ट चाहिए होता है इंसान को ना वो बहुत कम कंपनियों में मिलता है। इस वक्त सुबह के 9:05 हो रहे हैं और मैं बाइक चला रहा हूँ मुंबई नासिक हाईवे पे। नज़ारा देख सकते हैं आप, थोड़ा रोड का काम चालू है तो इसलिए वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम भी लग रहा है, सुबह सुबह लगता ही है। वो ऐसे ट्रक वालों के बीच में मतलब साइड में से जाना बहुत डर लगता है भाई मुझे तो। एक लेडीज़ और एक बूढ़ा ड्राइवर और एक ट्रक, इनसे मैं दूर ही रहता हूँ, और आपको भी दूर रहना चाहिए क्योंकि कब क्या हो जाए ना कुछ पता नहीं चलता। लेडीज़ यानी लेडीज़ स्कूटर चलाए या कार चलाए या कुछ भी चलाए, लेडीज़ अगर ड्राइवर होगी तो उससे दूर रहो, दूर अपनी मतलब अच्छी खासी दूरी बना कर ही चलो, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ हो भी गया तो सबसे पहले पिटाई आपकी होती है। लग गया ट्रैफिक। अरे चलो 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 निकलो यार निकलो। मतलब अपने यहाँ पे अगर बाइक चलाना है ना तो मेरे ख्याल में ऑफ रोड बाइक ही लेनी चाहिए। मेरी भी बाइक की ऐसी ही हालत होती है, अपने को कभी भी ऑफ रोड चलना पड़ता है। ये देखो भाई साहब को कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, जब जाए मन टर्न मार दिया, और अगर कोई गलती से पीछे से ठोक दिया तो बोलेंगे ठोक दिया ठोक दिया। अरे भाई तुम कहाँ से चल रहे हो, किधर साइड ले रहे हो,
सिग्नल विग्नल कुछ तो दो, इंसान को पहले से अलर्ट रहे, टर्न लेने वाला है बंदा, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। कौन से धुन में चलाते हैं पता नहीं। एक्चुअली दोस्तों जहाँ से मैं अभी जाऊँगा ना, एक ख़तरनाक छोटा सा पुल है, वहाँ से बाइक पास होगी, आप देखना। एक्चुअली वहाँ से अलाउड नहीं है जाना, लेकिन क्या है, टाइम और टाइम बचाने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि अगर 2 मिनट भी अगर लेट हो गए तो लेट मार्क लग जाता है। फिर ऑलरेडी मेरे 2 लेट मार्क हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि और 1 लेट मार्क हो। अगर एक लेट मार्क अगर हुआ तो हाफ डे की सैलरी गई। मुझे धूल से एलर्जी है और इस एरिया में धूल बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने मना किया है धूल में काम करने से, लेकिन क्या करें यार, करना पड़ता है। मास्क वास्क लगाया करता हूँ, नहीं करूँगा तो काम कैसे चलेगा। अब ये इंडस्ट्रियल एरिया आ गया है, अब हम घुसने जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ। 5 ही मिनट में हम अपने वर्कशॉप पे होंगे। अभी वो खतरनाक वाला रास्ता आप देखोगे, देखो एक्चुअली बीच में ना एक रिवर है, दो मतलब उस तरफ और इस तरफ में, रिवर के क्रॉस करने के लिए उधर पूरा घूम के जाना पड़ता है, उससे क्या टाइम लग जाता है बहुत सारा, कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाता है। उससे अच्छा है मैं बीच से शॉर्टकट मार देता हूँ। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग मारते हैं, लेकिन दोस्तों आप ऐसा मत करना अगर आप बाइक चलाने में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो, क्योंकि बहुत ख़तरनाक हादसा भी हो सकता है, ठीक है, तो आप मत करना। वो देखो वो आया पुल, छोटा सा पुल है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो सीधा पानी में गिरोगे या तो मुंह टूटेगा, बहुत डेंजर रास्ता है। थोड़े से इसमें ऐसा लगता है कि हम भी कोई फिल्मों के हीरो रहते ना, उस तरह से फीलिंग आती है। तो दोस्तों ये जो है वीडियो में आप देखोगे मेरा वर्कशॉप बाहर से, उसके बाद आप इस वीडियो के बाद मैं अपना वर्कशॉप का अंदर का नज़ारा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इस वीडियो के बाद में आप मेरा वर्कशॉप तो नहीं तो कोई और वर्कशॉप तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे वर्कशॉप में अलाउड नहीं है वीडियोस बना के, मतलब ऐसे वीडियो बना सकते हैं जैसे ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें कंपनी के लिए कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो उसको रखना चाहिए। वैसे मुझे मेरी कंपनी ने अभी तक मना तो नहीं किया है, लेकिन क्या है, अगर मना नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठा लो, फ़ायदा तो किसी भी चीज़ का नहीं उठाना चाहिए। मेरी कंपनी मतलब जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके काम को सपोर्ट करते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है ना। वर्कशॉप दिखा दूँ बिना परमिशन के सही नहीं है। हाँ अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, परमिशन नहीं है अब तक कि वर्कशॉप दिखा सकूँ तो नहीं दिखाऊंगा। हाँ बाहर से मैं दिखा सकता हूँ, बाहर से तो कोई भी कुछ भी देख सकता है यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सामने जो दिख रहा है ना वो हमारा गेट है, मेरी कंपनी का गेट है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल में कैसे काम किया जाता है, गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और ऑटोमोबाइल फील्ड में आने के बाद में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं ना,
आप मेरे चैनल पे सीख सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा वर्कशॉप। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। टिल देन गुड बाय।